नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित, जहां पर हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के साथ साथ, जो कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम कुछ बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है हमारा इज एम आर। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा इज एम आर, अगर आपको उसे समझने में प्रॉब्लम है, हालांकि छोटी सी चीज है तो फिर भी लेकिन सीख लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। इज एम आर का मतलब होता है, इज का मतलब है, एम का मतलब हूं और आर का मतलब हो और हैं, अगर हम हिंदी में लेकर चलें तो। ये जो आर होता है हमारा, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है, और ये जो इज होता है हमारा, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो इज एम आर का यूज आप कहां करेंगे? हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में आपको है या हूं या हो, इन तीन शब्दों में से कोई एक शब्द दिखाई दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है वह मेरा भाई है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है आज, थोड़ा मैनेज कर लेना। सेकंड सेंटेंस है हमारा तुम ईमानदार नहीं हो। तो इस सेंटेंस के लास्ट में हमने है देखा और इस सेंटेंस के लास्ट में हमने हो देखा। क्या वे ईमानदार हैं? इस सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है। और क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? इस सेंटेंस के लास्ट में हूं आ रहा है। तो देखा जाए तो है, हूं, हो हमारे सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं। तो आपको इज एम आर का प्रयोग ऐसे ही सेंटेंस में करना है जिसके लास्ट में है, हूं या हो जैसे शब्द दिखाई दे। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखना कि उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। वर्ब मींस कोई काम नहीं होना चाहिए, जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि। यानी कि कोई सेंटेंस, उस सेंटेंस में कोई व्यक्ति कोई काम करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये हमारी शर्त है इज एम आर लगाने की। अब सेंटेंस को बनाने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल पता होना चाहिए। एक पैटर्न होता है सेंटेंस को बनाने का, जैसे कि हिंदी में देखते हैं वह मेरा भाई है। क्या हम कभी ऐसे लिखते हैं वह है मेरा भाई? ऐसा तो हम कभी नहीं करते। अगर कोई करता भी है तो हम उससे बोलते हैं भाई कैसे बात कर रहे तू। तो ये सेंटेंस का पैटर्न जो है वो गलत है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इज एम आर कहाँ रखा जाए और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। तो उसको समझने के लिए आपको ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, एफर्मेटिव है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर इज एम आर और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर और उसके बाद नॉट लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। नॉट का प्लेस हमेशा थर्ड प्लेस पे रखना है नॉट को। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, उसमें सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव एक बार मैं फिर बता देता हूं, क्या वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, नहीं वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है, और जिसमें क्या और नहीं दोनों शब्द आ जाते हैं वो हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव होता है। इन चीजों के बारे में हमने एक दूसरी वीडियो में बता रखा है, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आप उस वीडियो को देखकर इन चीजों के बारे में सीख सकते हैं कि क्या वाला सेंटेंस क्या होता है, नहीं वाला क्या होता है, पर्सन क्या होते हैं। तो उसे हम लिंक में डाल देंगे, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको आसानी रहे। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वह मेरा भाई है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में हमने देखा कि है शब्द तो आ गया। क्या इस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, यानी कि कोई वर्ब है? नहीं है। तो हम इसमें से छांट लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा इज एम आर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न के हिसाब से रख दो, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद सेकंड नंबर पे इज और थर्ड प्लेस पे हमारा ऑब्जेक्ट माय ब्रदर। तो हमारा सेंटेंस बना ही इज माय ब्रदर। सेकंड सेंटेंस लेते हैं तुम ईमानदार नहीं हो। नहीं मतलब नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट है हमारा तुम, हो गया हमारा आर और ईमानदार हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना यू आर नॉट ऑनेस्ट। कैसे बना? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद थर्ड प्लेस पे नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू आर नॉट ऑनेस्ट। थर्ड सेंटेंस लेते हैं क्या वे ईमानदार हैं।
क्या मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो उसके लिए हमें इंटरोगेटिव रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ईमानदार हैं, देखो यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए है शब्द को हमने आर से लिया है, क्योंकि प्लूरल के लिए आर यूज होता है। तो आर पहले आ गया आर, उसके बाद हमारा आ गया सब्जेक्ट दे, और उसके बाद आ गया ऑनेस्ट, ईमानदार, आर दे ऑनेस्ट। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपके किसी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा होता है तो उस सेंटेंस में हमें वट नहीं लगाना। कुछ बच्चों को ऐसा डाउट रहता है कि वाक्य के शुरू में क्या आया हुआ है तो हम वट लगा दें, बट ऐसा नहीं होता। वट हम तब यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस के बीच में क्या आया होता है। इसकी और डिटेल के लिए हम एक वीडियो बना देंगे, फिलहाल आप इतना ही याद रखें, वो आप WH फैमिली में सीख लेंगे उसको। लास्ट सेंटेंस है हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, यानी कि ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैं इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है और तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट का काम। तो अगर हम इसका रूल फॉलो करें तो सबसे पहले इजमार लगाएंगे एम, क्योंकि हूं का मतलब एम, एम आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, एम आई नॉट योर ब्रदर, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, क्योंकि एम का मतलब हम हूं लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। ऐसा वाक्य है जिसके लास्ट में आपको है हूं हो दिखाई दे और उसमें कोई काम करता हुआ ना दिखाई दे, उसमें आप इजमार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये पैटर्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप सेंटेंस ठीक से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।